ग्रोइंग फील्ड, हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल। क्या आप ही नर्सिंग पैरामेडिकल में अपने करियर को बनाना चाहते हो? द राइट वे इंस्टीट्यूट लेकर के आया है बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज। फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ये 3 साल का डिग्री कोर्स है, जैसे कि बैचलर इन MLT, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर, बैचलर इन रेडियोलॉजी, बैचलर इन डायलिसिस। वैसे ही ANM, GNM, इस तरह के कोर्सेज के साथ साथ आपको भिवंडी के रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में जॉब भी दिलाई जाएगी। तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें। थैंक यू। उल्हासनगर में चोर ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया और सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोर ने दुकान में घुसकर कैश काउंटर में रखे सारे पैसे गायब कर लिए। इस घटना से आसपास के सभी दुकानदारों में चिंता पैदा हो गई। पुलिस CCTV की मदद से चोर को तलाश करने में जुट गई है। थाने से भिवंडी आ रही बस में एक शख्स का दूसरे यात्रियों के साथ किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ और बस से उतरने के बाद शख्स जब ST स्थित कीर्ति होटल के पास से गुजर रहा था, तब 8 लोगों ने उन पर चाकू, डंडे, पत्थर और कांच की बोतल से अटैक कर दिया, जिससे शख्स शदीद जख्मी हो गए। शख्स की कंप्लेन पर पुलिस ने 8 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। भिवंडी वाड़ा रोड NH 848 का वीडियो बेहद अफसोस कर देने वाला है और प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। मॉनसून के मौसम में वाहन चालक इस तरह की खस्ता हाल सड़क पर चलने पर मजबूर हैं और यही सड़कें सैकड़ों हादसों में लोगों की मौत का कारण भी बनती है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती। बैंड्रा में भयानक सड़क हादसे में पैदल चलने वाले एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि 2 लोग रास्ते पर चल रहे थे, तभी एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस वजह से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल शख्स का इलाज किया जा रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। भिवंडी में अब चोरों द्वारा वाहनों के पार्ट्स भी चोरी करना शुरू कर दिया गया है। ये वीडियो हमें खाड़ीपार इलाके से भेजा गया है और जानकारी दी गई कि किसी अज्ञात चोर ने इस ऑटो रिक्शा का टायर ही चोरी कर लिया। भिवंडी शहर व ग्रामीण में लगातार मुख्तलिफ किस्म की चोरी की वारदातें बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। साउथ मुंबई में मौजूद एक बिल्डिंग की बालकनी का हिस्सा गिरने से 11 साल का बच्चा जख्मी हो गया। हादसे के वक्त बच्चा बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था और अचानक मलबा गिरने से बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। मॉनसून में इस तरह जर्जर इमारतों और दीवारों के गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसके लिए प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। महाराष्ट्र के टुंगरेश्वर इलाके में घूमने गए 3 लोग बहते पानी में बुरी तरह फंसे और आखिरकार उनमें से 2 युवक पानी के साथ बह गए। सारे इंसिडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि उन्हें बचाने के लिए रस्सी का इंतजाम भी किया गया था, लेकिन तेज बहाव की वजह से 2 युवक बह गए। फिलहाल युवकों की कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। आए दिन बढ़ते सड़क हादसे अब भिवंडीकर्स के लिए परेशान कुन बनते जा रहे हैं। बेकसूर पैदल चलने वालों के अलावा ऑटो में बैठे हुए लोग भी इन हादसों से सेफ नहीं है। भिवंडी तालुका के खारबाव इलाके में आज सड़क के एक खड्डे में एक ऑटो रिक्शा पलट जाने से एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। इस समय हमारे पास ये कहने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि प्रशासन को सिर्फ जनता से टैक्स वसूलने में इंटरेस्ट है, उनकी जान और माल की या उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोई फिक्र नहीं है। भिवंडी शांति नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बाबा होटल के पास मौजूद इलाके में एक घर से 1.25 लाख रुपए चोरी किए गए। बताया गया कि जब शख्स अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गए हुए थे, उस दौरान मौके का फायदा उठाते हुए चोर ने घर में घुसकर मोबाइल फोन्स और नकदी समेत 1.25 लाख रुपयों की चोरी को अंजाम दिया। मामले की मजीद जांच जारी है। भिवंडी नारपोली पुलिस स्टेशन के पास सड़क पर चल रहे एक शख्स को तेज रफ्तार 2-पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिस वजह से इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया और पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।